हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी केकेवी मेंबर्स? तो ये कुछ एग्जीक्यूटिव था, ये जो बंदा था इसका नाम सुहेब है। एग्जीक्यूटिव था जो FOS घर पे होम विजिट करते हैं, जो फील्ड विजिट करते हैं वो था। तो इसने बहुत ही अच्छे से बात की, बहुत ही प्यार से, और ना ही कोई क्रिएट करा इसने प्रेशर मेरे ऊपर, कोई भी प्रेशर इसने क्रिएट नहीं करा। बड़े प्यार से इसने बात की, बड़े प्यार से मैंने, और प्रेशर क्रिएट ना होने का कारण ये भी है, जब मैंने उससे बताया मैं TL हूँ और उससे थोड़ा अंदर की बातें की, जो कि नॉलेज का, खाली नॉलेज का फ़र्क है, नॉलेजेबल बातें की, तो ये समझ गया कि हाँ अपनी लाइन का बंदा है। तो उसके बाद इसने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन की और ये बात को समझा भी, बहुत ही मज़ेदार कन्वर्सेशन हुई। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बस नॉलेज हर जगह जो हमारे काम आती है वो नॉलेज, अगर नॉलेज है तो डरना किसी को नहीं है। हंसत रहें, मस्त रहें, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहें। चलिए सुनते हैं। हाँ जी देविंदर जी। हाँ जी जी सर जी, मैं घर की तरफ आपके। कौन बोल रहे हो? शोएब बात कर रहा हूँ सर, नवी फाइनेंस से। अभी बात हुई थी ना आपसे। क्या बात हुई थी, थोड़ा याद दिलाइए। हाँ जी, क्या बात हुई थी, थोड़ा याद दिलाइए। अभी उसकी पेमेंट की रिकॉर्डिंग सर। आपसे मैंने क्या बोला था? बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, आप वो तो नहीं बोल रहे जो दोनों भाई मिलकर पेमेंट ढूंढने वाले थे? जी जी जी। अच्छा, तो है भाई, आप भी घर के बाहर आ गए? सर आपने बोला आ जाइए। अरे तो है भाई, आप इतनी सी बात ही नहीं समझे मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या बताइए सर। मैं कहना चाह रहा था सोहेब भाई, RTP डाल दो, उसमें पेमेंट नहीं करेंगे हम। अच्छा, RTP डाल दो, आप पेमेंट नहीं करेंगे? हाँ, ये कहना चाह रहा था। आप तो सच में घर पहुँच गए। अरे तो सर मेरे को, मैं इसलिए तो पूछ रहा था सर, मुझे बता दीजिए जो भी है। भाई कोई नहीं, मैं वहाँ पे हूँ नहीं भाई, वरना चाय नाश्ता करवा के भेजता। तो लेकिन मैं हूँ नहीं ना वहाँ पे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुहेब भाई, क्या इशू आ गया? मैं तो यार मजाक कर रहा था, तुम सीरियसली आ गए। एक मिनट रुकिए, मैं ना आपको पर्सनल नंबर से कॉल करता हूँ ना। ठीक है ठीक है, दो मिनट दीजिए, मैं कॉल उठा लीजिएगा मेरा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बताइए जोगिंदर जी, क्या बात है, क्या परेशानी हो गई? अच्छा आप बोल रहे हो? शोएब बोल रहा हूँ, शोएब बोल रहा हूँ। शोएब भाई मैं क्या कह रहा था आपसे, आप तो सच में आ गए यार, अगर मैं होता तो सच में चाय नाश्ता करवा के भेजता मेहमान को। अरे नहीं 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 सर, कोई बात नहीं है। अरे कुछ नहीं शोएब भाई, मल्टीपल डेप्थ तो है ना अपने ऊपर। अच्छा अच्छा, तो वो क्या है ना, मल्टीपल बहुत सारे डेप्थ है, तो इसको क्लियर करने के लिए अभी कम से कम आराम से राइट ऑफ तक का इंतजार कर रहे हैं, जब तक कैसे भी। सुनिए, मैं बताऊँ आपको, मल्टीपल डेप्थ जो बता रहे हैं आप, उसमें से 50% मैं वेवर करवा दूंगा। कौन सा, कहाँ से बोल रहे थे आप, किसके भी आपसे? नावी फाइनेंस सेटलमेंट करता है कि नावी? नहीं सेटलमेंट नहीं करता सर। हाँ सेटलमेंट करते ही नहीं है, क्योंकि इतना तो आपका अमाउंट भी नहीं है, सेटलमेंट करवा के करेंगे क्या? ऐसा ना, मल्टीपल डेप्ट है, अनदर बैंक तो NBFC और भी तो NBFC और बैंक है ना। मैं आपका जितना भी इससे वो लग रहा है ना, चार्जेस पेनल्टी लग रही है। देखिए सोहेब भाई मैं बताता हूँ, देखो ऐसा है, मैं किसी टाइम पर, सुन रहे हो ना ध्यान से? जी जी हाँ, मैं इसलिए तो पर्सनल फोन से कर रहा हूँ, वो तो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, वो बैंक उसमें जाती है। आप ही लाइन का बंदा हूँ मेरे ख्याल से। आप कौन बोल रहे हो, TL हो? कौन हो? नहीं नहीं, मैं अपना ही फील्ड ही हूँ। अच्छा फील्ड के हो, FOS हो? मैं डायरेक्ट बैंक से हूँ, वो नावी फाइनेंस से हूँ, ऑन रोल पे हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो क्या कहते हैं ना, मैंने अपनी तरफ से सारे रास्ते देखे, तो रास्ता यही निकलता है, देखो कम से कम मुझे पैसा जोड़ने के लिए लगेगा 4-5 महीना भी, और ऊपर से राइट ऑफ भी हो जाएगा। तो मैं जो भी अपने, जैसे SBI हो गया अपना, ठीक है, SBI RBL, तो ये तुम्हारा 15% के हैं दोनों बैंक सेटलमेंट, दोनों से अगर लेटर मांगोगे अड़ जाओगे ना अपनी बात पे, तो दे देंगे आराम से 15%। वैसे ही तुम्हारा भाई अभी पैसे जोड़ रहा है, ये थोड़ा दिक्कत आ गई है जीवन में, बाकी मुझे लगा नहीं था कि यार सच में आ जाओगे। आपका ये लोन कितने का था, ये कितने का लोन था, ये वाला लोन? कौन सा लोन? 25,000 का था ना, भी वाला? हाँ इतना यार ध्यान नहीं आ रहा कितने का था लोन।
एक मिनट लाइन पे रुको, मैं चेक करता हूँ। देखो आप, पैंतालीस हजार का। हाँ हाँ शायद 45 का ही है, 45 हजार का था ये, जिसमें से आपकी ये आखिरी है तीनों, एक में जिसमें एक ईएमआई में 400 रुपए रह गए हैं और दो 4000 की है। हाँ तो वो थोड़ा सा ना इसमें आपको अभी रुकना ही पड़ेगा। बाकी एक बात बताओ, हाँ आपके पास कितनी बड़ी फाइल आ गई है? मेरे पास 100 केस की लोकेशन आती है अपने आसपास के एरिया की, दक्षिणपुरी मदनगीर। 100 केस की? हाँ। कितना एक महीने की होती है, कितने टाइम की? एक महीने की। एक महीने की? एक महीने की। तो 100 में से कितने निपटा देते होगे? वो तो डिपेंड करता है, इसमें क्या है अपने इंसेंटिव बढ़िया है, 10% है सिलेक्शन का। अच्छा तो कितना करोड़ का बैठ जाता है फाइल? 1 करोड़ का? फाइल 1 करोड़ की तो नहीं होती, हाँ 50-60 लाख की तो होती है। अच्छा 50-60 लाख, जैसे इसमें कितना रिक्वायरमेंट रहता है उनकी तरफ से, कितना देना है? टारगेट नहीं है आपका, ये है कि आपको 2 लाख तक करना है, लेकिन ये है कि आपको 1.25 लाख के ऊपर आपको 10% मिलना चालू हो जाता है। अच्छा, जैसे आप मान लो 2 लाख कर दोगे, 2.5 लाख कर दोगे, तो 10% मिलेगा 25,000 रुपये। हाँ 25,000 मिलेगा उसका, प्लस आपकी जो सैलरी मिलेगी, प्लस वो आपको 2,000-4,000 जो पेट्रोल का बनेगा वो मिलेगा। अच्छा पेट्रोल का भी देते हैं क्या? ऑन रोल है ना, मैं डायरेक्ट बैंक उससे ही। समझिए। तो आपका क्या कहते हैं सैलरी कितनी होगी? 25-30 तो होगी। हाँ मतलब 22,000-22,500 सैलरी है, 4,000 पेट्रोल का है। हाँ ठीक है, 25 के आसपास है। नहीं इसमें क्या है ना, अपने कलेक्शन का काम में सैलरी कम मिलती है, लेकिन इंसेंटिव तगड़ा मिल जाता है। मैं 2017 से कर रहा हूँ, अब मैं ना थक गया था एजेंसी पकड़ पकड़ के, 6 महीने बाद बदलो, 7 महीने बाद बदलो। हाँ ये भी है, फिर वही अपना DRA करो, अपना एक सुकून की नौकरी अच्छी मिल जाए। अच्छा DRA बाद में कराया आपने? DRA मैंने 2018-19 में कर रहा था। अच्छा 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 ये है, क्या है ना वो झंझट तो रहता है भाई, बिना डीआरए के उसी की थ्रू मिल गई थी। हाँ ये भी है, अब ऐसा तो झंझट रहता है ये बिना DRA के। हाँ DRA तो ज्यादा झंझट रहता है। खैर ये कंपनी ये बिना DRA वाले को भी रख रही है, DRA खुद करवा रही है अपने पैसों पे। हाँ ये भी नहीं, ऐसा है ना हमारे जो कलेक्शन का काम है ना, इसमें बंदों की कमी है, काम की कमी नहीं है। काम की कमी नहीं है, ये तो हकीकत कह रहे हो। और इसमें मैंने क्या देखा है ना, आप मैंने जितना अब तक बात किया आपके कॉलरों से और भी बंदे हैं ना, मतलब बहुत सारे लोगों तो आती जाती रहती है बहुत, और एब्जॉर्ब भी किया है कि हर बंदा इसमें मुश्किल से ना 20% या 30% बंदे परफेक्ट जो अपना कन्वर्सेशन है वो कर पाते हैं परफेक्ट, 20-30% बस। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप अच्छा, आपके साथ मैं अच्छी कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो आप उन 30% बंदों में से हो, क्योंकि रिकवरी में भाई बंदे ही बंदे, काम की कमी नहीं है, बंदे भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं, तो वो ढंग से कम्युनिकेशन नहीं वाला, तो आप समझते ही हो कि वही तू थोड़ा ये दे वो दे फलाना दे। हाँ और वो क्या है ना, कहीं ना कहीं नुकसान करती है दूसरे बंदे को भी। हाँ ये तो है, हमारे पास एक केस गया, मेरे पास आ गया, भाई आपके पास आ गया, आप गए उस कस्टमर पे, वो पहले ही भड़का होगा। हाँ अब आप तो डायरेक्ट हो ना, तो आप तो वैसे ही कोई गाली गलौज नहीं करोगे। मैं जब मैंने शुरू में कॉल करी तो भाई हम इसमें तो ये है कि भाई हमें कंपनी कॉल रिकॉर्ड करेगी तुरंत ही, और हम अपने पर्सनल नंबर से जल्दी फोन नहीं कर सकते जब तक कंपनी के फोन से नंबर बात ना हो। ये भी है, हमें और मेन चीज है हमारा पैसा हो तो समझ में भी आता है। हाँ ये भी है भाई, हम गाली गलौज करें। बाकी देखो ऐसा है ना, आपका पैसा भी हो तो भाई ये तो आपको बताए, गाली वक्त बस मन की संतुष्टि मिलेगी, पैसा वापस नहीं आएगा। बिल्कुल देखिए, मैं आपसे गाली गलौज कर दूँ, कल को मेरे को इसी केस में आपके बगल वाले घर का ही मिल जाए। हाँ और क्या होता, नहीं होता है? हाँ होता है, अब मैं कैसे जाऊँगा, मेरा वो एरिया तो ब्लॉक हो गया। ये तो है, तो भाई वो काम करना ही क्यों हमें, आगे बढ़ रहे भाई, हम तो सजेशन कर दे सकते हैं भाई, आपका भाई बेनिफिट ये है, आपको करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। अब इसमें क्या है ना, जैसे आप लोग जैसे जो एजेंसियां बदतमीजी करती है ना, उसमें देखो बैंक का भी सहयोग होता है, जैसे मान लो आप SBI का, मेरे पास कार्ड है 2.5 लाख का, ठीक है, अब मैंने नहीं दिया, अब केस एंट्री हो गया, अब बैंक वालों को भी पता चल गया भाई ये नहीं दे रहा, और तुम्हारे एजेंसी वालों को भी बदतमीजी करेंगे। लेकिन जो उनके पास रिलेटिव के नंबर आते हैं ना, वो तो हमारा बैंक जो अपने ऐप से चुराता है वो उनको देता है, बैंक प्रोवाइड कराता है, ऐसे तो नहीं एजेंसी वाले खुद ले लेंगे। नहीं
नहीं एजेंसी आप तो आपको मालूम ही होगा सारी चीजें सारी डिटेल, ये चाचा का नंबर है, ताऊ का नंबर है, तो फोन के दे देंगे वो सब कुछ दे देते हैं। इसमें बैंक का बहुत बड़ा रोल है, बैंक मतलब ये पीछे से काम करता है कि हमारे ऊपर नाम ना और काम भी हो जाए, काम भी हो जाए। बाकी तो आपको पता ही है सेटलमेंट वगैरह करा भी लिया तो अपना सिविल खराब है, फिर दोबारा लोन नहीं ले सकते, उसको उठाने में 2.5-3 साल 4 साल लगते हैं। इसमें आपका क्या नाम है, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें तो 8,000 रह गया, इसमें फायदा क्या आपका? फायदा ना, देखो अगर मैं आपको रियली बताऊं, देखो आप दोनों पक्ष सुनना, आप फायदे की बात कर रहे हो तो बताता हूँ। जैसे मैं मान लो आपका दे देता हूँ, तो जाहिर बात है कि सिविल तो वैसे ही बेकार जाना है। नहीं नहीं सिविल को बेकार जाएगा भाई, मल्टीपल है ना, मल्टीपल है ना मेरा, और भी तो सेटलमेंट करनी है ना मुझे। मेरी बात सुनो, हाँ इसमें आप क्या नाम है इसकी पेमेंट करवाओ, हाँ ये 24 घंटे में आपका एक्टिवेट हो जाएगा। 45 की लिमिट मेरे हिसाब से बढ़ जाती है, इसमें 25% या 30% बढ़ जाती है इसकी लिमिट। अच्छा, इसलिए मुझे अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मेरी भी नहीं ज्वाइनिंग है, लेकिन इतना सुना है कि मैंने कि जब कस्टमर का लोन क्लियर रहता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी लिमिट बढ़ जाती है। हाँ अच्छा, 25% या 30% वो कंफर्म नहीं है मुझे। लेकिन आप फिर कहना चाह रहे हो फिर आप दूसरा लोन ले रहे हैं? तो ये तो क्लियर, ये आपका ये इसमें क्या है पेनल्टी में 50% वेव होगा, सेटलमेंट होगा नहीं तो आपका सिविल डाउन जाने की जरूरत ही नहीं है। आप बड़े भाई, आप फोर क्लोज देते हो कस्टमर? हाँ फोर क्लोज देता हूँ मैं। आप अगर आप मुझे सिविल की बात आप समझे नहीं, मेरे मल्टीपल डेब्ट है, आपका अगर सेटल ना कराऊं दूसरा तो सेटल कराना है मुझे। मैं यही कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आपके 2-3 लोन होंगे, जाहिर से होगा 30,000-40,000-50,000 के 2-3 लोन होंगे। दो तीन नहीं है, कितने बोल रहे आपको कितने हैं? कम से कम होंगे मेरे, तुम्हारा कम से कम 20 लाख रुपए के लोन है। अच्छा 20-30 लाख का, फिर तो बड़ा है वो। हाँ तो इस चक्कर में तो मैंने कहा क्लियर। अरे यार आप एक बात बताओ यार, आपने क्या नाम बताया था अपना? शोएब नाम, शोएब। शोएब भाई यार अपने छोटे भाई हो तुम या बड़े कह लो कुछ भी कह लो। अरे आप बड़े भाई हैं कैसे बात? शोएब भाई अगर आप एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला मैं TL था तो शोएब भाई यार कुछ तो मैं भी जान के रखता हूँ, 40-50 हज़ार 1 लाख का होता तो इतना तो आदमी अरेंज कर लेता है, 40-50 हज़ार 1 लाख तो नॉर्मल सी बात है। तो दिमाग में हकीकत में मेरे दिमाग में ये था कि मैंने शायद हो सकता है कि 2-4 लोन छोटे हों, अब मैं सिचुएशन ऐसा आ गया कि इंसान कभी फंस जाता नहीं दे पाता। अब भाई आप भी अगर मेरे सगे भाई होते या मान लो आप चचेरे भाई हो तो मैं कहता यार शोएब यार 20-30 हज़ार का यार चाहिए तो तुम दे देते, लो भाई ले लो 20-30 हज़ार, नॉर्मल सी बात है इंसान अरेंज कर लेता है। लेकिन वो 20-30 लाख कहाँ से लाएगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वरना शोएब भाई इतने में तो मैं इतना सुनता थोड़ी, इतने में तो क्लियर कर देता मैं, थोड़ा रुका हुआ हूँ क्योंकि आपका देखो एक तो पैसे जोड़ रहा हूँ मैं, ऊपर से जब मैं दूंगा जब मैं सब कुछ गिराऊंगा तो भाई अच्छे वेवर पे करूंगा ना, तो इसलिए थोड़ा इंतजार भी कर रहा हूँ पैसे जोड़ते जोड़ते। मैं तो यार मजाक में समझा कि भाई तुम आ जाओगे, तुम तो सच में आए। मैं ये सोचा कि आप शायद पेमेंट करने के मूड में हो, मुझे ये लगा कि आप पेमेंट करने के मूड में, थोड़ा मजाक वजाक कर रहे हो। अब मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग पे थी, अब मैं उस टाइम तो कोई जवाब दे नहीं सकता था मैं आपको। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। हाँ अब मैं क्या बोलूँ, मैं इसलिए कह रहा था सर आप बताइए तो टाइम तो बताइए। एजेंसी में होते, एजेंसी में होते तो तुम्हें क्या कहते हैं वहाँ पे TL कह देता कि ऐसे नहीं करते हैं, कुछ काटता कि चलो कोई नहीं हो गया बच्चा कोई बात निकालते नहीं, लेकिन डायरेक्ट होना तो भाई उसमें वैसे जवाब नहीं दे सकते। बाकी क्या है ना, वैसे मैं हूँ नहीं कसम से, वहाँ होता तो भाई जरूर बिठा के जाए नाश्ता करवा के। कोई बात नहीं मैं कह रहा हूँ देखो मेरा तो फील्ड का काम है, मुझे तो विजिट डालनी पड़ेगी, मुझे अरे नहीं पड़ेगा यार, हमारा यार छोटा भाई आया है घर पे तो इतना तो चलता है। कोई बात नहीं मैं डाल देता हूँ, अब क्या डाल दूँ, RTP डाल दूँ कि नेक्स्ट मंथ का डालूँ, जो बोलोगे वो कर दूंगा। अभी तो भाई RTP डाल दो आप, कस्टमर आप एक काम करना इसमें और डाल देना कि कस्टमर कह रहा है 3 महीने बाद देगा। कस्टमर गांव गया हुआ है, दिल्ली में नहीं है, फोन पे बात हुई है, कस्टमर कह रहा नेक्स्ट मंथ का मिल जाऊंगा। नेक्स्ट नहीं अभी 3 महीने बाद डाल दो और कह देना अभी मेरे पास तो यही मंथ केस है, इसी मंथ केस रहेगा आपका वाला। अच्छा अच्छा इसी मंथ है आपके पास। हम लोगों का वही क्या होता है कि एक जैसे आप आपकी पेमेंट हो जाती है शायद मेरे पास केस रुकता। अच्छा अच्छा अच्छा, और नहीं होगी तो फिर वो दूसरे के पास जाएगा। ये बात है, ये होता है कि जो गिर जाता है फिर वो एजेंसी के पास जाता है, राइट ऑफ हो जाता है ना, फिर वो एजेंसी के पास जाते हैं। अच्छा राइट ऑफ के बाद जाते हैं आपके एजेंसी के पास? हाँ पहले नहीं जाते? नहीं 180 तक तो हमारे पास ही राइट ऑफ तक तो हमारे पास ही रहते हैं 180 तक। तो सारे केसों में ऐसे थोड़ी होता होगा मेरे ख्याल, सारे एरिया का अलग होगा साहब। अभी
सारे केसों का तो कह नहीं सकता, अभी मेरी भी नहीं ज्वाइनिंग है, अभी मेरे को भी 10-15 दिन ही हो रहा है। क्योंकि आपका नाभि वाले भी बदतमीजी करते हैं ना, वो एजेंसी के थ्रू ही होता है। हाँ वो एजेंसी के थ्रू होता है, लेकिन उनको जो डिटेल प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? नाभि। नाभि तो अब नाभि के लिए वो मरे हुए केस है। वो है ना, जैसे अभी मेरी अभी एक मेरी उनसे बात हुई थी, क्या कहते हैं आपका कंशन मैनेजर से। अच्छा, तो जब उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे आपका नहीं था, वो किसी शायद SBI की तरफ से बोल रहे थे। तो मैंने वो बोल रहे थे सर वो तो पैसा निकालना तो मेरे हाथ में, मैंने कहा क्या करोगे, रिलेटिव में कॉल करोगे, बदतमीजी करोगे? तो वो बोल रहे सर ये तो बच्चे लोग करते हैं, और ये तब किया जाता है जब हमें पता है कि हम कस्टमर से पैसा नहीं निकाल सकते अब किसी भी कीमत पर, तो हम गाली गलौज सब कुछ करेंगे। मतलब वो जो एजेंसी में भेज देते ना आप लोग या थर्ड पार्टी को, बिल्कुल भी गाली गलौज करते हैं जब भाई पता चल गया नहीं निकल सकता। अभी तो सर उम्मीद है और मैं आपसे निकाल कर रहूंगा, उससे बहुत मजेदार बात हुई थी। आप उसको जानते हो कुणाल को, केकेवी को? नहीं, आप मेरे ख्याल से यूट्यूबर कुणाल की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप नहीं जानते हो। वो बंदा जो है ना इसी के बारे में नॉलेज देता है, अपना ही भाई है, मोटेरा भाई है। अच्छा, हाँ वो इसी के बारे में बताया है कि क्या कहते हैं गन्ना नहीं है आपको, क्योंकि आप गाली गलौज वगैरह हर चीज होती है, आपको तो बताइए कितना कितना परेशान हो जाता है कस्टमर। बहुत, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना, भी इसके रूल्स तो मैंने शायद ही पहली बार देखे हैं कि किसी के इतने रूल्स होते होंगे। अच्छा, क्या रूल है वैसे, थोड़ा हमें बता दीजिए। बहुत तगड़े रूल है इनके कि भाई आप घर कस्टमर के घर के अंदर नहीं जा सकते हो, और कस्टमर का अगर कोई, जैसे कस्टमर ना मिलता हो उनका कोई भी फैमिली का मिला आप उसको लोन के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हो। सच में ऐसे रूल है? बिल्कुल, एक कंप्लेंट पे जो भी आएगी, एक कंप्लेंट पे। सच में मजाक सच के? बिल्कुल भाई, नहीं क्योंकि ऐसा रूल तो बोला देंगे तीसरी बार में रेस्टिगेट कर दें सीधा आपका भाई। अच्छा, दो वार्निंग मिलती है? नहीं ऐसा है ना, आपका क्या कहते हैं, हर जो ये आप जो बता रहे हो ना कि कस्टमर के किसी रिलेटिव को, या जब तक वो परमिशन ना दे खुद कस्टमर की बता दो तक नहीं बता सकते, तो ये तो हर लोन में होता है, क्योंकि भाई ये एक पर्सनल होता है। अब आप उसके पापा को बता रहे हो वो चिंता लेंगे, इसलिए ये पर्सनल चीज है, उसकी वाइफ तक को नहीं बता सकते, बता देते हैं ना। और सब में लोन प्रॉब्लम जब वहाँ आती है, जैसे आप किसी आपके घर पे कोई मिला, फैमिली वाइफ मिली या मदर मिली, अब उन्होंने पूछ लिया बेटा किस लिए आए, हमने कहा जी नाभि फाइनेंस आए हो, क्या काम है? हमने जी हम तो ज्यादातर ये बोलते हैं वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, उनसे मिलना जरूरी है। ठीक है ठीक है, आपका शायद बेटा था कि कौन सा, मेरे को लड़का बेटा ही था आपका घर पे? अच्छा, बेटा ही होगा। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, वो कह रहा कि पापा तो गए, मैंने कहा भाई एक बार फोन करके बोल दो कि बुलाया था उन्होंने, मैंने तो नहीं बोला था, इतने में आपका कॉल दोबारा लग गया। मैं तो हर समय एक्टिव रहता हूँ, ऐसा मैं कभी भी जो है ना किसी का कॉल ऐसा नहीं उठाता, उठा लेता हूँ। लेकिन क्या है ना, जैसे मेरे ऊपर लोन है ना मल्टीपल, तो मुझे कम से कम दिन में समझ लो मैं 100-150 बंदों से बात कर लेता हूँ, तो इसमें बहुत से कॉल रह जाते हैं वेटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो इस चक्कर में ना बहुत से कॉल रह जाते हैं और बहुत से अटेंड करते हैं हम। चलो ठीक है, मैं आगे भी डाल लेता हूँ। बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सुहेब भाई, कसम जो होनी वरना गले लगा लेता वहीं पे। अरे कोई बात नहीं, ठीक है सुहेब भाई, हैव अ गुड डे। बस आपके परिवार में सब कुशल मंगल रहे, यही दुआ है हमारी ऊपर वाले से। ठीक है, आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।